हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। हमारी 8.4 जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने पढ़ा था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। आज हम 8.5 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। देखो आप, एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, इनमें डिफरेंस रखना। आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट वर्ड मतलब एग्जैक्टली बात कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज आपकी 8.5 है। देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा क्या है। जैसे हमने एक ग्राफ बनाया, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। आपको वो फंक्शन देगा, ठीक है, और उस फंक्शन के साथ आपको एक क्लोज इंटरवल मिलेगा ए से बी। वो ये पूछेगा आपसे कि ये बताओ कि ये जो फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल ए बी पे कहाँ पे तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू रखेगा और कहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू रखेगा। जैसे आप यूँ लगाओ, ये ग्राफ बनाया हमने, यहाँ पर हमारा ए ओ, ये जो पॉइंट है ये लगा लो आपका सी है, ये जो पॉइंट ये लगा लो आपका डी है, ठीक है। तो इस ग्राफ में अगर देखते हैं ना, तो सबसे ऊपर जो पॉइंट है वो आपका ये है और सबसे नीचे जो पॉइंट है वो आपका ये है। यानी कि ये जो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए है, ये जो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए है, और इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो हमारी क्या होगी, एफ ऑफ ए। और ये जो पॉइंट है मैंने बी ले लिया, इस पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे तो वो लिखी जाएगी एफ ऑफ बी। तो इस ग्राफ में सबसे ऊपर जो पॉइंट है फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पे आप निकालोगे ना, तो इस वैल्यू को एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहा जाएगा। और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उस पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमा। आप ऐसे मत कर लेना कि इस क्लोज इंटरवल के लोअर लिमिट पे मैक्सिमा होता है, अपर पे मिनिमा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे ग्राफ में हो सकता है कि आपका ए थोड़ा नीचे की साइड होता, कोई और पॉइंट ऐसा होता जो आपको ऊपर होता, लास्ट में हो सकता है यहाँ पे बी की बजाय कोई और पॉइंट आ जाता। यानी कि वो पॉइंट जो होगा ना वो होगा आपका इस क्लोज इंटरवल के बीच में लाई करने वाला। लोअर लिमिट हो सकती है, लोअर से बड़ा हो सकता है, अपर लिमिट हो सकती है, अपर से छोटा हो सकता है, लेकिन ये रूल नहीं है कि मैक्सिमम हमेशा लोअर पे होगा और मिनिमम हमेशा अपर पे होगा, ठीक है। आसान सी एक्सरसाइज है, आपको क्या कहेगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालो। हमें ये नहीं देखना, हमें वो पीछे वाले एक्सरसाइज वाले नहीं है ये कि मैक्सिमम मिनिमम प्रूव नहीं करना। हम ये जरूर देखेंगे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे मिनिमा है, और उस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखो बेटा एक्सरसाइज, इसका आप फर्स्ट क्वेश्चन टिक कर लेना, मतलब उसके 5-7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, बाकी हम कर रहे हैं। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन की बात आई, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वेयर माइनस में 3x। आपको क्वेश्चन करना कैसे है, इंटरवल दे दिया 0 से 2, फंक्शन आपको देगा, इंटरवल आपको देगा। सबसे पहले आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो, क्या आया, 2x माइनस में 3। टर्निंग पॉइंट के लिए, क्रिटिकल वैल्यूज के लिए फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दो। ऐसा हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी करते थे, ऐसा हम मैक्सिमम मिनिमम में भी करते थे, और ऐसा हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में भी कर रहे हैं। 2x माइनस 3 को मैंने जब 0 के बराबर रखा तो x आ गया 3/2। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ आने वाला पॉइंट आपके इस इंटरवल से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर बाहर होगा तो हम उस पॉइंट को रिजेक्ट कर देंगे। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू लिखनी है। जब आप x की वैल्यू लिखो ना तो इसकी लोअर लिमिट लेनी है आपको, इंक्लूड है इंटरवल कैसा है, क्लोज। फिर वो वैल्यू जो इस इंटरवल में लाई कर रही है, जो क्रिटिकल पॉइंट निकालने से टर्निंग पॉइंट से 3/2, और एक इसकी क्लोज मतलब अपर लिमिट जो थी। एक्स की तीन वैल्यू होगी, 0 और 2 तो थी, एक वैल्यू और मिली हमें एफ डैश एक्स को 0 रखने से 3/2। अब आपको क्या करना है, वो कोई रूल नहीं लगाना फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव, आप बारी बारी इन तीनों पॉइंट्स को फंक्शन के अंदर रख दो, बारी बारी, क्योंकि हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, और वैल्यू हमेशा फंक्शन से निकाली जाती है। वैल्यू निकालने में डेरिवेटिव का कोई रोल नहीं है, डेरिवेटिव तो हमें टर्निंग पॉइंट दे सकता है। देखो बेटा, जब आप फंक्शन के अंदर 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0। जब आप फंक्शन के अंदर 3/2 रखोगे तो ये बन जाएगा 3/2, यानी कि 9/4। 9/4 माइनस में 3 × 3/2 तो 9/2 आएगा। एलसीएम कितना आ गया बेटा हमारा, 4 आ गया। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, 9 माइनस में 18।
अब 9 माइनस में 18 जब आप सोल्व करोगे तो ये माइनस का 9 बाई 4 आ गया, और जब तुम 2 रखोगे तो 2 का स्क्वेयर 4 और 3 इंटू में 2 6 है, तो ये आया माइनस 2। देखो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखो, वहाँ से आने वाले पॉइंट को चेक करो इंटरवल में लाइक करते हैं तो लो, वरना रिजेक्ट कर दो। एक लोअर लिमिट उठाओ, एक अपर लिमिट उठाओ, साथ में ये पॉइंट, और इन सभी को फंक्शन में रख दो। अब आप ये देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो आपको 0 पे मिली, 3/2 पे मिली, या 2 पे मिली, किस पे मिली? तो सबसे बड़ी वैल्यू इन तीनों में से तो कौन है? 0। तो पता क्या कहेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 0। इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू अगर हम बात करें, देखो ये डिवाइड करके देखो, ये जो है हमारा पूरा पूरा 2 से डिवाइड जा रहा है, तो माइनस 9 बाई 4 में, और अगर हम माइनस 2 में बात करें तो हमारी जो छोटी वैल्यू है ना, छोटी वैल्यू माइनस 9 बाई 4 है। तो क्या कहेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 3/2 पे एब्सोल्यूट मिनिमा है, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है? माइनस 9 बाई 4। ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। फंक्शन आपको मिलेगा, डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव को 0 के बराबर, बस इतना ही रोल है। आप एक्स की वैल्यूज लेके बारी बारी फंक्शन के अंदर रख दो, सबसे लेस वैल्यू उठाओ वो तो एब्सोल्यूट मिनिमा, और सबसे ग्रेटर उठाओ वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अब आप इसका सेकंड पार्ट तुम कर लेना, मैं एक बार आपको थर्ड करवा देती हूँ। देखो बेटा सिंपल है, सारे के सारे पार्ट एक जैसे हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस में 15x² प्लस में 36x प्लस में 1, और इंटरवल दे दिया बेटा क्लोज इंटरवल 1 से 5। इंटरवल आपको हमेशा इसमें कैसा मिलेगा? क्लोज मिलेगा। देखो अब यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ऊपर लिख रखा है कि भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, जब मैंने एफ डैश एक्स निकाला तो 6x² माइनस में 30x प्लस में 36। थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए बेटा 6 कॉमन ले लिया, तो x² माइनस में 5x प्लस में 6। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल ले लिया, तो 6 तो उधर जाके हो जाएगा 0, तो x² माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे तो यहाँ से हम x की दो वैल्यू मिलेंगी, फैक्टर हो रहे हैं, और x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएंगी, एक तो आएगी 2 और एक आएगी आपकी 3, फैक्टर हो रहे हैं माइनस 3 और माइनस का 2। अब देखो आपके पास x की टोटल 4 वैल्यू होगी, 1 लेंगे लोअर लिमिट, 2 और 3 दोनों की दोनों इंटरवल में लाई करते तो दोनों लेंगे, और अपर लिमिट क्या है 5। बारी बारी आप फंक्शन के अंदर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो और 5 रखो, और यहाँ से सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू हमें उठानी है। देखो बेटा जब हम 1 रखेंगे तो 2 माइनस 15 प्लस में 36 प्लस में 1 आएगा, कर लो सोल्व, माइनस का तो 15 है और भाई प्लस का हमारे पास 39 है, तो ये सोल्व होके हमें जो वैल्यू मिली वो आ जाएगी हमारी 24। फिर हम जब एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 इंटू में 2 की पावर 3 कितना 8, माइनस में 15 इंटू में 2 की पावर कितना हो गया 4, और 36 इंटू में 2 72 प्लस में 1, तो प्लस का 16 माइनस में 60 प्लस में 72 प्लस में 1, सोल्व करो, माइनस का 60 है और प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा 79, तो ये कितना बच गया बेटा 29। ऐसे आप एफ ऑफ 3 पे निकालो, एफ ऑफ 3 पे निकालेंगे तो 2 इंटू में 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, ये आएगा 54, माइनस में 15 इंटू में 3 की पावर 2 कितना 9, तो ये आएगा 135, प्लस में 36 इंटू में 3 लेंगे तो ये 108 और प्लस में 1, सोल्व करो, माइनस का 135 है और प्लस में हमारे पास हो जाएगा 163 बन गया, तो ये सोल्व होके वैल्यू आएगी बेटा आपकी 28। उसके बाद हम 5 रखेंगे तो 5 की पावर 3 तो कितना हो गया 125, मल्टीप्लाई की 2 से तो 250, माइनस में अब 25 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो ये 5 है और फिर हमारा बन गया 37, यानी कि 375, प्लस में 36 इंटू में करें तो 180 प्लस में 1, इसको सोल्व करो तो ये वैल्यू हमारी सोल्व होके आ जाएगी बेटा 56। अब आप देखो सबसे
बड़ी वैल्यू जो है ना वो 56 है, और वो किस पॉइंट पे? 5 पे। तो आप क्या लिखोगे? एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 56। इनमें सबसे लेस जो वैल्यू है वो वैल्यू है बेटा हमारी 24। तो क्या लिखेंगे? एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे एब्सोल्यूट मिनिमा है, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है? 24। तो आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। क्यूबिक इक्वेशन अगर होगी तो डेरिवेटिव करने से वो क्वाड्रेटिक आ जाएगी, यानी कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आप ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से कर सकते हो। अब मैं करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। दो चार क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम ट्रिग्नोमेट्री वाली करेंगे, दो चार ये जो थोड़ा आपका अलजेब्रिक फॉर्म दे रखा है ये कर लेते हैं। सेकंड में देखो, कहते हैं डिटरमाइन करो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। जैसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एफ ऑफ एक्स। अब देखो डेरिवेटिव हम इतना डिटेल में पढ़ चुके, डेरिवेटिव में हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। इंटरवल दे रखा बेटा -2 से 4.5। इसका एक ही मेथड है सिर्फ, वो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव तो चेक करने के लिए लगाते हैं। जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 4x का क्या आएगा? 4। माइनस में जब इसका 2x आएगा तो 2 कैंसिल होकर क्या बच गया? x। टर्निंग पॉइंट के लिए जब आप सोल्व करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो x की एक तो वैल्यू क्या है? -2। एक क्या है? 4, और एक 4.5। आप कर सकते हो, तीनों वैल्यू फंक्शन के अंदर रख के सोल्व कर लेना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू उठा लेना। सेकेंड पार्ट आप खुद कर लेना। अब मैं करवा रही हूँ आपको थर्ड पार्ट। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स की पावर 50 माइनस एक्स की पावर 20, और इंटरवल हमारे पास है 0 से 1। सबसे पहले बेटा हमने डेरिवेटिव किया, देखो 50 आगे एक्स की पावर 49, माइनस में 20 आगे एक्स की पावर कितना आ गया? 19। सोल्व करने के लिए मैंने 10 इंटू में एक्स की पावर 19 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो रह गया 5, और एक्स की पावर 49 में से जब 19 कॉमन लेंगे तो एक्स की पावर बच गया 30, और माइनस में ये बच गया 2। ठीक है, यहाँ से देखो जब हम 0 के बराबर रखेंगे ना तो x की पावर 19 अगर 0 के बराबर है तो हमारा x भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसके बाद 5 इंटू में एक्स की पावर 30 माइनस में 2 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो वहाँ से x की पावर 30 जो है वो तो हो गया 2/5। तो यहाँ से x की वैल्यू 2/5 की पावर 1/30 आएगी कि नहीं आएगी? और ये जो वैल्यू है ना ये बेटा 0 से बड़ी है और 1 से क्या है? लेस है। तो आपके पास एक्स की कितनी वैल्यू होगी? लोअर लिमिट, दूसरा 2/5 की पावर 1/30, और अपर लिमिट 1। बारी बारी इनको रखोगे तो 0 आप रख लेना, 1 आप रख लेना। जब तुम एक्स की जगह 2/5 की पावर 1/30 रखोगे तो सोल्व कैसे करोगे? देखो बेटा यहाँ पे रखा तुमने 2/5 की पावर 1/30, उसकी पावर 50, तो 2/5 की पावर 5/3 बचेगा। माइनस में 2/5 की पावर 1/30, उसकी पावर 20 करेंगे ना तो 2/5 की पावर 2/3 आ जाएगा। समझ गया नहीं? यहाँ से मैंने 2/5 की पावर 2/3 कॉमन ले लिया। ठीक है, देखो 5/3 में से 2/3 गया तो 1 पावर बच गई, 1 पावर यानी कि 2/5 बच गया, और माइनस में क्या बच गया? 1। सोल्व किया, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 3/5। 0 पे आप वैल्यू निकालोगे क्या आएगी? 0, और 1 पे निकालोगे तो वो भी क्या आएगी? 0। तो अब देखो लेस जो वैल्यू है ना, लेस जो वैल्यू, देखो यहाँ हम एलसीएम लेते हैं ना तो 2-5 ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये वैल्यू अगर नेगेटिव है तो 0 आपका क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो 0 और 1 दोनों पे तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, और लेस वैल्यू नेगेटिव वाली है तो एक्स इज इक्वल टू 2/5 की पावर 1/30 पे ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। समझ गया नहीं? और एब्सोल्यूट मिनिमम में वैल्यू बता देंगे। ये था बेटा आपका थर्ड पार्ट। फिर देखो फोर्थ में पावर 1/3 है, लेकिन आपको इसके डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कर सकते हो। अगर मैं इसके फिफ्थ पार्ट करवाती हूँ, इसने एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया? 12 इंटू में एक्स की पावर 4/3 माइनस में 6 इंटू में एक्स की पावर 1/3, और इंटरवल हमारे पास है -1 से 1। सबसे पहले तो बेटा आप डेरिवेटिव करो एफ डैश एक्स। 12 था ही आगे, 4/3 आगे आया, एक्स की पावर 4/3 माइनस में 1 करेंगे तो 3 एलसीएम लेंगे तो वो 1/3 बच जाएगा। ठीक है, 4/3
माइनस में वन क्या, तो वन बाई थ्री, माइनस में सिक्स था, वन बाई थ्री आगे आएगा और एक्स की पावर माइनस का टू बाई थ्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया फोर पे, ये कैंसिल हो गया टू पे, सिक्सटीन एक्स की पावर वन बाई थ्री माइनस टू, और पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने नीचे लिख दिया एक्स की पावर टू बाई थ्री, और थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए एक्स की पावर टू बाई थ्री एलसीएम ले लिया। तो ये बताओ एक्स की पावर वन बाई थ्री की मल्टीप्लाई में एक्स की पावर टू बाई थ्री गया, प्रोडक्ट में टर्म है बेस से, मैं पावर ऐड हो जाएंगी, जब आप पावर ऐड करोगे तो टू बाई थ्री प्लस में वन बाई थ्री वन आएगा और माइनस में क्या है टू, और आप फर्स्ट डेरिवेटिव को जब जीरो के इक्वल रखा तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा जीरो, तो एक्स की वैल्यू वन बाई एट आएगी। तो बेटा एक्स की तीन वैल्यू होगी माइनस वन, वन बाई एट और वन, इन तीनों को बारी बारी रखना है, तो माइनस वन और वन तो आप रख लेना, जब तुम एक्स की जगह वन बाई एट रखोगे, देखो यहाँ पे ट्वेल्व इंटू में एक्स की जगह वन बाई एट, उस वन बाई एट को हम वन बाई टू की पावर थ्री भी तो कह सकते हैं और उसकी पावर फोर बाई थ्री, माइनस में सिक्स तो बार वन बाई एट को वन बाई टू की पावर थ्री और उसकी पावर वन बाई थ्री, तो ये जो क्यूब रूट है ना ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो ऊपर तो क्या बचा ट्वेल्व और नीचे टू की पावर फोर कितना होता है सिक्सटीन, माइनस में सिक्स बार और नीचे क्या बचा टू, तो ईजिली सोल्व कर सकते हैं और हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। अब देखो बेटा इसके अगले पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब मैं करवा रही आपको थर्ड, यानी कि एक दो प्रैक्टिस हम किसकी कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। एफ ऑफ एक्स साइन टू एक्स है, साइन टू एक्स, और इंटरवल है आपका जीरो से पाई बाई टू क्लोज्ड। सबसे पहले हम फंक्शन के डेरिवेटिव को निकाल रहे हैं और साइन टू एक्स का कोस टू एक्स, टू एक्स का टू, फिर हम डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखेंगे तो कोस टू एक्स इक्वल टू क्या आ गया जीरो। अब देखो कोस की वैल्यू जीरो 90 डिग्री पे होती है, लेकिन ध्यान से सुनो 2x की जगह पाई बाई टू आए तब कोस क्या बनाए उसको जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू तो पाई बाई फोर आई ना, क्योंकि ये जो इंटरवल है ये तो x का है लेकिन इसका एंगल 2x था, तो हमने पहले 2x निकाला फिर x निकाला। अब पाई बाई फोर जीरो से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है, तो पाई बाई फोर इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो x की हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई तीन, जीरो पाई बाई फोर पाई बाई टू। बारी बारी रखो, जब तुम फंक्शन में जीरो रखोगे ना बेटा तो साइन जीरो क्या होता है जीरो, जब तुम फंक्शन में पाई बाई फोर रखोगे ना तो पाई बाई फोर यानी कि कितना 45, और 45 उन्हें नब्बे, साइन नब्बे क्या होता है वन, और जब तुम पाई बाई टू रखोगे ना पाई बाई टू तो नब्बे की दो से मल्टीप्लाई की एक सौ, सिर्फ साइन पाई क्या होता है जीरो। तो क्या कहेंगे जीरो पे और पाई बाई टू पे लेस वैल्यू क्या है जीरो, तो दोनों पे तो क्या है एब्सोल्यूट मिनिमा, और पाई बाई फोर पे क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है वन है। ठीक है, ये है आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा सेकेंड, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे दिया टू कोस टू एक्स माइनस कोस फोर एक्स, सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो टू तो कॉन्स्टेंट बाहर, कोस टू एक्स का हो जाएगा माइनस साइन टू एक्स, 2x का हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा प्लस का साइन 4x और 4x का 4। अब देखो 4 कॉमन लेना चाहो ले सकते हो, या यूँ लिख लो माइनस 4 है साइन 2x है, ठीक है, प्लस में 4 है, इसका एंगल साइन 4x है, तो ना मैं इसमें फॉर्मा लगा रही हूँ 2 साइन 2x इंटू में कोस 2x, सिर्फ और सिर्फ एंगल को सेम बनाने के लिए, क्योंकि एक जगह एंगल 2x और एक जगह एंगल क्या है 4x। आप देखो आप कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, 4 साइन 2x कॉमन ले लिया, यहाँ से 4 साइन 2x कॉमन गया तो 2 कोस 2x बच गया और ये माइनस में बच गया हमारा 1, और जब फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे तो एक तो क्या आएगा कि साइन 2x 0 के इक्वल हो सकता है, और एक क्या आएगा कि कोस 2x 1 बाई 2 हो सकता है। ध्यान से देखो साइन 2x अगर 0 के बराबर है ना तो या तो 2x 0 ही डिग्री है या फिर पाई है, और कोस 2x अगर 1 बाई 2 के बराबर है तो 2x को क्या बनना पड़ेगा पाई बाई 3, क्योंकि 60 पे क्या होता है 1 बाई 2, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 बाई 2 0 और पाई बाई 2 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी पाई बाई 6, और तीनों की तीनों वैल्यू हम ले सकते हैं, तो हमारे पास x 0 आ गया, पाई बाई 6 आ गया, पाई बाई 2 आ गया और पाई आ गया, रख दो।
जब हम फंक्शन के अंदर जीरो रखेंगे तो देखो टू तो एज इट इज, कोस जीरो होता है वन, माइनस में यहाँ पर भी रखे तो कोस जीरो क्या आएगा वन, तो टू माइनस वन क्या आ गया वन। जब तुम पाई बाय सिक्स रखोगे, पाई बाय सिक्स 30 डिग्री रखा, तो देखो टू इंटू में 30 गुणा में 2 तो 60 और कोस 60 कितना होता है 1/2, माइनस में यहाँ पे रखा तुमने 30 और 30 इंटू में 4 तो 120 हो जाए। अगर कोस 120 की वैल्यू -1/2 होती है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 16 को कितना आ गया 3/2। फिर तुम रख दो पाई बाय टू, जब तुम पाई बाय टू रखोगे तो 2 था, 2 इंटू में पाई बाय टू मीन्स पाई और कोस पाई क्या होता है -1, माइनस में 4 इंटू में पाई बाय टू तो 2 पाई और कोस 2 पाई होता है प्लस का 1, तो माइनस का 2 और -1 माइनस में 3। उसके बाद हम क्या रखेंगे पाई, जब हमने पाई रखा ना तो कोस 2 पाई होता है 1, माइनस में कोस 4 पाई भी क्या होगा 1 और 2 माइनस 1 क्या आ गया 1। तो बेटा इनमें सबसे बड़ी वैल्यू 3/2 है, कब है वो पाई बाय सिक्स पे। तो एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है आपकी वैल्यू 3/2, सबसे लेस वैल्यू हमारी -3 है, तो पाई बाय टू पे एब्सोल्यूट मिनिमा है और वो मिनिमम वैल्यू क्या है -3। सेम आपका थर्ड पार्ट है, सेम फोर्थ है। फोर्थ में देखो जैसे एफ ऑफ एक्स हमारे पास है साइन स्क्वेयर एक्स माइनस में कोस एक्स 0 से π। तो सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, क्या आएगा 2 sin x और sin का क्या हो जाएगा cos x और cos x का क्या होता है -sin x। यहाँ से बेटा मैंने कॉमन ले लिया sin x, अंदर क्या रह जाएगा 2 cos x + 1 इक्वल टू 0 रखोगे तो एक तो sin x क्या आएगा 0 और एक cos x क्या आएगा -1/2। तो sin x 0 यानी कि या तो x 0 है या फिर पाई है, तो वो तो है ही हमारे पास। लेकिन अगर नेगेटिव की बात करें तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे और सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस पाई बाई थ्री, वो क्या आएगा 2π/3। तो एक्स की 3 वैल्यू है, 0 है, पाई है, 2π/3 है। फंक्शन में रखो, सबसे लेस और सबसे ग्रेटर निकालो, वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.5।